hello and welcome this is pawan today is the fourth lecture on the climate of india and 19th lecture on geography in this video we will discuss about the distribution of rainfall in india and the concept of southern oscillation so let's start फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया तो चलिए शुरू करते हैं अभी इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बारिश है ये इंडिया में कितनी होती है कौन से एरिया में कितनी होती है और कौन से एरिया में इस इंडिया में कितनी बारिश होती है और कौन से वाले एरिया में ज्यादा होती है कौन सी एरिया में कम होती है और रीजन क्या है कम होने के लिए या जा ज्यादा होने के लिए या नहीं होने के लिए मैं आपको सबसे पहले दो कंसेप्ट बताऊंगा दो वर्ड्स बताऊंगा वो जे हैं विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड लीवर्ड साइड ये क्या है विंडवर्ड साइड क्या है और लीवर्ड साइड क्या है मैं भी बताऊंगा आपको जिस तरह से पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बोला था बेस्टन गार्ड्स के बारे में और मैंने आपको बोला था जी बेसन गार्ड्स हैं अब बेसन गार्ड्स क्या करते हैं बारिश को इस साइड ही करवाते हैं इस साइड ही करवाते हैं इस साइड नहीं होने देते क्योंकि बेसन गार्ड्स ऊंचे हैं और बारिश कैसे होगी वेस्टर्न गार्ड्स के साथ टकरा के बारिश इस साइड इस वाली साइड हो जाएगी इस वाली साइड नहीं होगी और जिस साइड बारिश होती है उसको हम बोलते हैं बिंडवर्ड साइड जिस साइड बारिश होगी उसको हम बिंडवर्ड साइड बोलेंगे और जिस साइड बारिश नहीं होगी उसको हम बोलेंगे लीवर्ड साइड या रेनशेडो साइड यही टू वर्ड्स हैं और यही दो कंसेप्ट साइड और लीवर्ड साइड जो बहुत ही ज्यादा रोल हाँ, प्ले करते हैं बारिश को करवाने में या ना करवाने में अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से वाले एरिया में ज्यादा बारिश होगी और कौन से वाले एरिया में कम बारिश होगी आप देखिए आप दो तीन एरिया पे फोकस कीजिए जे राजस्थान वाला एरिया है जे राजस्थान ये लद्दाख और जहाँ पे डेकन प्लेट्यू इन तीन एरिया में बहुत कम बारिश होती है साठ सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है और रीजन क्या है इसके लिए जहाँ तो रीजन जहाँ तो बजा अरावली रेंज बन जाती है ये अरावली रेंज बारिश नहीं होने देती राजस्थान और इसकी अडजाइनिंग एरिया में बारिश नहीं होने देती अब राजस्थान के अडजाइनिंग एरिया कौन से हैं राजस्थान के अडजाइनिंग एरिया हैं हरियाणा पंजाब गुजरात लेकिन ये सारे सारे हरियाणा में नहीं सारे सारे पंजाब में नहीं सारे सारे गुजरात में नहीं बल्कि सिर्फ अडजाइनिंग एरिया में जो एरिया राजस्थान के साथ मिल रहे होंगे उसी एरिया में बारिश नहीं होने देती कौन नहीं होने देती अरावली रेंज अरावली रेंज क्या करती है इसकी विंडवर्ड साइड तो बारिश होगी लेकिन लीवर्ड साइड बारिश नहीं होगी क्योंकि बारिश जो है जी जो हवाएं माइस्टर वाली आएंगी तो विंडवर्ड साइड ही टकरा के बारिश कर जाएंगी और दूसरी साइड तो जाएंगी नहीं इसलिए जहां पे रीजन बनती है राजस्थान और इसकी एडजाइनिंग वाले एरियाज में बारिश कम होती है और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा लेह लद्दाख जो लद्दाख अभी जूटी बना हुआ है आ, तो जहां पे भी बारिश नहीं होती कम होती है आ, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं होती होते हैं लेकिन कम होती है और जो साठ सेंटीमीटर से भी कम होती है वो रीजन क्या है जहां के लिए तो रीजन है माउंटेन्स हिमालय हिमालय माउंटेन जो है ये रीजन बनती है ये एक वजह बनती है जो हमारे यहां माउंटेन है इस तरह से तो ये क्या करती है दिस माउंटेन प्रिवेंट्स मॉइस्चर्स टू गो दिस साइड अब ये क्या करेगी जी माउंटेन क्या करेगी प्रिवेंट करती है उस हवा को जिस जिस हवा में मॉइस्चर होता है कि इस साइड ना जाए और एस आई डी प्रसिपरेशन करवा देती है हाँ जाती हैं बहुत कम हवाएं जाती हैं मॉइस्चर वाली और एस आई डी भी बारिश होती है लेकिन बहुत कम अगर मैं डेक्कन प्लेट्यू की बात करूं तो डेक्कन प्लेट्यू का भी यही हाल है इधर भी बारिश नहीं होती अगर मैं बताऊं अगर मैं जहां पे बात करूं जहां पे कोरोमंडल कोस्ट वाली साइड तो कोरोमंडल कोस्ट इधर है थोड़ा सा साइड जो है कोरोमंडल कोस्ट वाली साइड जहां पे बारिश नहीं होती स्टार्टिंग में जब साउथ करता है ना ये है? है। है, है रोकते हैं जो बारिश को इस साइड नहीं होने देते दे। लेकिन जब रिट्रीटिंग मानसून होता है विंटर के टाइम में जब बारिशें इस तरह से आती हैं तो इस बारिश हो जाती है उस टाइम कोरोमंडल कोस्ट में बारिश होती है अब बारिश ज्यादा कहां कैसे होती है तो मैं आपको बताऊंगा अब इस साइड भी बारिश अच्छी खासी हो जाएगी बेस्टन गार्ड के बेस्टन गार्ड थोड़ा सा मैंने ज्यादा अंदर कर दिया इतना अंदर नहीं है जे तो वेस्टर्न घाट की इस साइड तो बारिश अच्छी हो जाएगी भिंडवर साइड दूसरे नंबर पे हिमालय की इस साइड भी बारिश अच्छी हो जाएगी और वापस आते वक्त जहां पे कोरोमंडल कोस्ट में भी बारिश अच्छी खासी हो जाएगी अब इन वाले एरिया में जहां पे बारिश अच्छी खासी होती है तो ये 400 सेंटीमीटर के अराउंड हो जाती है लेकिन जैसे ले लद्दाख वाला एरिया जे वाला एरिया हो गया और इसी के साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉल इन इंडिया खत्म हो जाता है अभी हम बात करेंगे सौदन ओसिलेशन की अब देखेंगे हम ये सौदन ओसिलेशन क्या होता है अभी ये देखिए मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी आपको जे पिक्चर दिखाई थी और मैंने आपको बताया था जो कंसेप्ट एलिनो का है वही सोधन ओसिलेशन का है अब सोधन ओसिलेशन में मैंने आपको जो बताया था सॉरी मैंने बताया नहीं आज बताऊंगा मैं लेकिन पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो बताया था एक तो नॉर्मल सिस्टम होता है बारिश के होने का और उसी हिसाब से हर साल बारिश होती है लेकिन कभी कभी अब नॉर्मल कंडीशंस आ जाती हैं और टोटली अपोजिट कंडीशंस हो जाती हैं बारिश नहीं होती और कहीं पे बहुत ज़्यादा होती है ड्राट्स हो जाती हैं मतलब नॉर्मल के एंगेस्ट कंडीशंस बन जाती हैं वो ही सौदर्न है मैं अभी आपको पिक्चर के अभी थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। अब देखिए नॉर्मली ट्रेड विंड्स तो इस तरफ इस तरफ चलती हैं तो जहाँ पे बारिश करवाती हैं ऑस्ट्रेलिया में इधर बारिश करवाती हैं जहाँ से गर्म पानी उठा के इधर बारिश करवाती हैं और इसकी जगह फिर ठंडा पानी आ जाता है जहाँ पे ठंडा पानी इकट्ठा हो जाता है और इस साइड में फिर फिशेस वगैरह आ जाती हैं तो ये एक नॉर्मल पैटर्न है लेकिन अगर अगर थोड़ा सा पैटर्न उल्टा हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा उसमें ये होगा कि ट्रेड विंड्स जे वाली विंड्स जो है जे बीकन हो जाएंगी कमजोर हो जाएंगी जे नहीं आ पाएंगी फिर इस साइड से विंड्स चलेंगी इस साइड से विंड्स चलेंगी साइड जब विंड्स इस साइड से आगे जाएंगी तो क्या होगा बारिश जहां पे होगी सिस्टम अपोजिट हो जाएगा बारिश जहां पे होगी अगर बारिश जहां पे होगी तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इंडिया में भी अच्छी मॉनसून नहीं रहता बहुत सारे एरियाज में ड्राउट हो जाती है और फ्लड्स वगैरह आते हैं इसी को हम बोलते हैं सौदर्न ऑसिलेशन जब नॉर्मल के इंगेस्ट जब अब अब नॉर्मल कंडीशंस बन जाती हैं उसी को हम सौधन ऑसिलेशन बोलते हैं अब रही बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इन इंडिया की अगर मैं इसको आप कंक्लूड करूं और आपको ये बताऊं तो जे क्या है अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन है अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन एक बर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन अनएन क्यों है इसके लिए रीजन जे है रीजन जे है क्योंकि कहीं पे बारिश कम होती है कहीं पे ज्यादा होती है और सौदर्न ऑसिलेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया मैंने आपको बोला अगर नॉर्मल कंडीशन के एंगेस्ट उसके ऑपोजिट कंडीशन बन जाए यानी अब नॉर्मल कंडीशन बन जाए और इस साइड ऐसे मूव करे और बारिश ऑस्ट्रेलिया में होने के बजाय पैरू में हो उसी को हम क्या बोलते हैं ऑसिलेशन मैं उम्मीद करता हूं जो आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया में मैंने कोशिश की है कि आपको सारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हमने बात की थी आई टी सी एड के बारे में मानसून के बारे में रिट्रीटिंग मानसून के बारे में सीजन के बारे में आज मैंने आपको बताया बारिश कहां पे होती है कहां पे नहीं होती है और रीजन क्या है मैंने आपको विंडवर्ड साइड बोला रिवर लीवर्ड साइड बोला और मैंने आपको रेन शेडो साइड भी बोला और मैंने आपको ये बोला कि बस बारिश कहाँ पे होती है कहाँ पे नहीं होती है मैंने आपको बोला था वर्स्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया वर्स्ट क्या होता है एल नीनो ला नीनो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है और मैंने आपको बताया है, आई टी सी एड जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये किस तरह से रोल प्ले करता है और किस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में मूव करता है और कैसे जहां पे लो टेम्परेचर बनता है ये तमाम बातें मैंने आपको अच्छे से बताई हुई है तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर कहीं भी प्रॉब्लम रही होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं रेक्टिफाई करूंगा और इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा नए चैप्टर का नाम होगा नेचुरल वेजिटेशन एंड माई लाइफ इसके बाद हम जे पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो नाइन्थ की जियोग्राफी तो ख़त्म हो गई लेकिन ये नाइन्थ के लिए ही नहीं है बल्कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए अगर कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो वहाँ भी जो कंसेप्ट आते हैं वहां भी क्वेश्चन बनते हैं और अच्छा खासा पोर्शन उन्होंने भी सिलेबस में डाला होता है तो चलिए इसी के साथ मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ थैंक यू एंड बाय